सरकार का जितना आ रहा है हमको अनपढ़ आदमी पोता भी लगता भी नहीं खाता भी नहीं। बात सच है कि बगैर नीतियों में हस्तक्षेप किए आप जो है कुछ बदल नहीं सकते। रूपा वैली में आता है शासोकर्ट से पहला गांव आपका शासो आता है, दूसरा सुन्नम आता है, तीसरा रुशकलंग तालिंग आता है, फिर ग्यापुंग आता है एंड लेटर ऑन सबसे लास्ट गांव रूपा है। कलेक्टिवली इस पंचगई को यानी कि पांच गांवों को इकट्ठे रूपा वैली कहा जाता है। टुडे आई विल बी कवरिंग सुन्नम। सुन्नम के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों में दो का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन इज लिटरेरी स्कॉलर नेगिरी मुचे एंड सेकेंड वन इज द लैंग्वेज स्पोकन आउट हेयर, इट्स सुनामी लैंग्वेज, इट्स वन ऑफ द 8 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन हेयर इन किन्नौर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स तो हर जगह गरमाई है, यहाँ पे भी गरमाई है। चलिए ले चलते हैं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ। पंचायत प्रधान ऐसा होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से काम करे, नाता रिश्ता ना देख कर सबके भलाई के लिए समान रूप से काम करे। देखो जी, प्रधान ऐसा होना चाहिए हमारे पंचायत का जिसको पता होगी मुझे क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो PWD IPH हो चाहे और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे क्या काम करवाना है, हमें क्या ज़रूरत है, ये सब पता हो। काम करना चाहिए कि 5 साल में कुछ किया बोल के गांव वालों को सबको दिखने वाला चाहिए कि ऐसा काम करना करने वाला होना चाहिए। देखो जी, हमारी तो यही कोशिश है, हमारा मकसद यही नहीं है कि हमने इलेक्शन लड़ना या आगे जाके कोई जिला परिषद या कोई MLA बनना। हमारा मकसद है समाज सेवा करना। ये समाज सेवा की भावना जो है हम छात्र राजनीति से ही हमारे अंदर थी, तो हम भी किसी से मोटिवेशंस लेकर ही आगे बढ़े हैं। तो मैं ये हमारी यही कोशिश है कि हम 5 साल के अंदर जो है अगर जनता चुनकर भेजेगी तो गांव की जो हर कमियां जो पूरे करने की कोशिश करेगी। इसके लिए हम सारे गांव के बुद्धिजीवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, पूरे जोश दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चाहता हूँ कि गाँव में विकास हो, लोगों के अंदर अच्छा सोच आए, भाईचारा बने रहे और गाँव को विकास हो, ताकि हमारे ये गाँव भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगे आ करके कुछ गाँव सुन्नम का भी नाम और आगे बढ़ जाए। मैं इसलिए लोगों को इस जागृति की ओर लाने के लिए मैं कैंडिडेट बना हूँ। प्रधान तो जी विकास करने वाला चाहिए, गाँव का विकास करे, जो खास हमारा गरीबों का साथ लेके चलने वाला, पूरा गाँव का साथ लेके चलने वाला। और मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि गाँव का जो प्रधान का इलेक्शन है या जो भी हो रहा है, लेकिन इसको पार्टी से ऊपर उठ के जो उस बंदे को चुनना चाहिए जो कि काम कर लोकतंत्र सकते। लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो जनता के द्वारा जनता का शासन जनता के लिए, उस चीज़ को जो है हम बिल्कुल ज़मीन पर जो है उतारना चाहते हैं। दूसरी बात ऐसा है, जनता के द्वारा इस तरीके की शिकायतें आती है, ठीक है, हम इस बात का वादा करते हैं अगर हम जो है चुनकर आए तो हम ना तो जो है किसी का कठपुतली बनकर काम करेंगे, ना ही जो है किसी के दबाव में आकर काम करेंगे। हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो है काम करना चाहते हैं। एक बार एप्लीकेशन पहुंचा के वो एप्लीकेशन वापस दे जाए, काम हमेशा सबका बराबर करना चाहिए, किसी को 2-3 बार करता है, किसी को 1 बार भी नहीं करता है। अच्छा, 4 बार को किसी को नहीं देना। सुमा किसो देखिए जी, मेरे लिए विकास की परिभाषा ये है, जैसे मेरे गांव में जैसे सीवरेज की लाइनें हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। अभी जैसे हमने सीवरेज की लाइनों के लिए अभी काम करना है, हमने बहुत बड़ा काम है। सेकेंडली, हमारी गलियां अभी सारी कच्ची है क्योंकि पानी का जो रिमॉडलिंग का काम साथ साथ में चल रहा है, इससे गलियों को काफ़ी मतलब गलियों को कभी दोबारा से हमें काम करना है, गलियां भी ठीक करवानी है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा काम है कि ये हमारे जो है गांव में जो है हमारे लाइनलेस लोगों का जो है IPH विभाग की तरफ से जो पटरा कटिंग होना है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, इसको भी प्रायोरिटी देंगे हम। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे गाँव में बड़े सारे इतने मतलब बुजुर्ग लोग हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रहते हैं। पिछली बार मेरी यही कोशिश रही कि जितना हो सके मैंने सबको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सबको आगे लाया। इस बार भी यही कोशिश रहेगी कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार
चाहे हिमाचल सरकार, चाहे वो हमारे भारत सरकार, कोई भी स्कीम हो, हम ये कोशिश रहेगी कि सारी स्कीमें जो हर घर तक पहुंचे, कोई किसी भी स्कीम के लिए वो पीछे ना हटे। साथ ही साथ हमारी कोशिश यहाँ नहीं रुकेगी, हम जो है जैसे हमारे कर्मचारी हैं जो NPS कर्मचारी है, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उन पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं, हम जल जंगल ज़मीन जो हमारे 9 करोड़ FRA इसके लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो है कदम से कदम मिलाकर हमारे एक यूनियन बनाकर जो है हम आगे बढ़े। जो कुर्सी मिलने के बाद अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, वैसे प्रधान हमको नहीं चाहिए। कोई तजुर्बा रहा है आपका? नहीं, मैक्सिमम मैं तो यही देखती हूँ, मैं इम्प्लॉयज रही हूँ, कभी अब जाना होता है मेरा पंचायत में वगैरह, वहाँ कोई पूछ के राजी नहीं होते हैं, ऊपर से सहयोग की भावनाएं कम होती है कुर्सी मिलने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत में काम करने के लिए दिक्कत ये आती है कि हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार रजिस्टर्ड होता है और इन्होंने यूनियन बना रखा है, यूनियन में सीरियल वाइज काम मिलता है, उसमें चाहे सीनियर ठेकेदार हो चाहे जूनियर ठेकेदार जिन्होंने काम किए ही नहीं वो भी आ जाते हैं। तो इसमें तो यही बात हुई कि गधे घोड़े सब बराबर हैं। पंचायत वालों को ये दिक्कत आती है कि अब लोकल ठेकेदार होने के कारण नाता रिश्ता है, वैली के आदमी हैं तो बोल नहीं पाते हैं, इस करके काम ढंग का नहीं होता है। जहाँ तक बजट की बात है, बजट तो आजकल खुला ही आता है मगर काम ढंग का होता नहीं है। पंचायत वाले भी कई इसमें ठेकेदार हैं तो आवाज़ तो मुश्किल ही उठता है। अब जो राजनीति है, हम उसकी परिभाषा में जाते हैं। परिभाषा ये कि राजनीति का मतलब है नीतियों में हस्तक्षेप करना, और ये बात सच है कि बगैर नीतियों में हस्तक्षेप किए आप जो है कुछ बदल नहीं सकते, और जो है नीतियों में हस्तक्षेप करने के लिए आपको जो है राजनीति करना पड़ता है। तो हमारा तो ये मकसद है, हम राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि जो है हम जो है यहाँ जो है जनता के हक, जो ग्राम पंचायत के हक है, उसके लिए जो है हम आगे लड़ सके। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ पहली बात तो, इससे पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा रहा है पहले से ही, और अब रिटायरमेंट के बाद गांव की सेवा भावना के लिए ही मैं, जैसे गांव में कई सारी समस्याएं होती है, कई सारे गांव के मुद्दे होते हैं गांव के विकास में, तो मैं ये सोचती हूँ कि गांव के जो मुद्दे हैं, गांव के अंदर कोई समस्या जो भी है उसको पहले अच्छी तरह से देखें और प्रायोरिटी बेस पर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पंचायत इलेक्शन में इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे सुनम गांव जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है विकास के मामले में, और जो बेचारे दबे हुए लोग हैं वो दबे के दबे हैं, उनको भी मैं उनकी आवाज़ को मैं अपने माध्यम से आगे तक ले जाना चाहूँगी। ऐसा है उप प्रधान के लिए सुनम वालों को भी सोच करके शासन के लिए छोड़ दे, आपस में मीटिंग करके तो छोटे छोटे सारा काम निकल जाएगा, नहीं तो शासन वालों को यहाँ हमेशा पंचायत में आना पड़ता है। ये दौड़ भाग नहीं होता या इस स्थिति में कोई डर जाता है पीछे रह जाता है तो कोई मतलब नहीं कि वो BDC उठे। दौड़ भाग करना तो हमारा एक संघर्ष है, ये जरूरी है कि हम दौड़ भाग करें और अपने को पूरा सशक्त। मैं इससे पहले भी 5 साल प्रधान रहा हूँ और उस वक्त कुछ काम रह गए हैं, अधूरा भी रहा है, और उसको मैं शायद पूरा करने का सोच से भी मैं आ रहा हूं। तो यही मेरा मुद्दा है, विकास हो, विकास किया जाना चाहिए। देखिए आजकल पंचायती इलेक्शंस में युवाओं का काफ़ी ट्रेंड चला है कि वही जो पंचायत का पैनल है वो युवाओं का हो। ठीक है, सही है, होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। देखिए आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से हमारे सीनियर्स थोड़े लैग कर जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज वगैरह उसमें भी युवा ज़्यादा अवेयर रहते हैं, तो अगर और अगर आप युवा हैं तो आपको भाग दौड़ करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गों और यूथ को मिल के काम करना चाहिए ताकि बुजुर्गों से तजुर्बा मिले, यूथ दौड़ धूप में काम करे, दोनों हाथ से ताली बजती है,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों मिलजुल के काम करें। गांव के लोग देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पानी की कमी है। हमारी कोशिश है कि अगर लिफ्ट इरीगेशन के लिए हम सरकार और प्रशासन के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है उस लिफ्ट इरीगेशन को सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है हमारा जो है गंगुल जो घाटी में जो है टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे हमारे सुंदम गांव के लीजिए, हमारे सुंदम गांव इतने बड़े स्कॉलर हमारे सुंदम गांव से श्री नेगी रिमोची जी, हम जहाँ भी जाते हैं उनका नाम जो चारों तरफ जो उनका नाम ही नाम है। इवन हम पीछे कुछ साल पहले हमें कई मतलब संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला तो वहाँ पता चला कि हम सुंदम गाँव से हैं, तो उन्होंने इतना रिस्पेक्ट हमें दिया जो हम गांव में आकर हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे हमारे गुर्जिस गोम्पाई देख लो, इतना बड़ा पुराना गोम्पा, अब तो वहाँ पर सड़क पहुँच चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इस टूरिज़म के फील्ड में भी हम हर युवाओं को आगे लाएँ। मैंने खुद ने जो है बेसिक और एडवांस कोर्स माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली से किया है, तो मैं युवाओं को भी प्रेरित करूंगा कि वो जो है किसी भी तरह का जो कोर्स जो है वहाँ से करें। और हमारी जो गंजुल घाटी के अंदर जो माउंटेनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, इसको लेकर हम जो है कुछ कर पाए। सबसे बड़ी बात तो है पानी का प्रॉब्लम है, तो हम ये चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि पानी के जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसको जो है गांव तक लाया जाए। और जैसे ये पीने के पानी का है, जैसे सिंचाई का है, जैसे अभी लिफ्ट के लिए यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, तो इन सब को जो है जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे जो है गांव में लाए। आप 40s में हो और आप लेट 30s में और अर्ली 40s में हो और आप युवा कह रहे हैं अपने आप को, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी अभी भी अपने आप को युवा कहते हैं, तो मसला ये है कि जो असल युवा है कैंडिडेट फाइनल करने से पहले जो असल युवा है हमारे 18 to 25, 30s, तो इनको आपने इनसे कंसर्न करना आपने जरूरी नहीं समझा। अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं, इट्स ए ग्रेट थिंग। युवा अपने भागीदारी को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बुजुर्ग भी अपनी बातों को बहुत प्रबल रूप से रख रहे हैं। वहीं पर युवा अपने अंदर ही किसी तरह का डिसेंट हो तो उसे डेमोक्रेटिक वे में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, कोई हिचकिचा नहीं रहा है बातों को बोलने से। बोलिए बातों को, अगर बोलेंगे तभी बातें सुनेंगे। अच्छा होना चाहिए, गांव का काम करना चाहिए, बड़ा दिखा चाहिए हमारे को, तरफदारी नहीं होना चाहिए, गांव में सफाई करना चाहिए, गांव का वो करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आपने दिन निकाल दिया, 5 साल हो गया काम कर लिया है। जिसको आदमी देख के ना थप्पड़ मारते हैं उन लोग, आदमी देख के काम करते हैं, जो गरीब गुरबा को तो देखता ही नहीं है, पागल उठाता ही नहीं है। हम लोग कुछ सरकार का खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, सिर्फ सोसाइटी मांग के मैं एक आदमी वही खाती हूँ मैं, बाकी कुछ अपना खून का ही खाता हूँ, भाई कुछ भी नहीं है। सरकार का जितना आ रहा है हमको अनपढ़ आदमी पोता भी लगता भी नहीं, खाता भी। जिंदगी भर पीडब्ल्यूडी में काम किया ना, कोई पेंशन भी नहीं, सरकार अभी हो ही नहीं रहा है। मार्च अप्रैल जाना था और लॉकडाउन हो, बीमारी हो गया, फिर देखो हम लोग बचपन से काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी में, कुछ मिलता तो है ही नहीं। लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज, इंडिविजुअल अपने कैपेसिटी में काम करता है, समाज अपनी कैपेसिटी में काम करता है, दोनों के एरियाज लिमिटेड हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल को इंडिविजुअल का स्पेस दें, ताकि हर चीज़ में समाज ना घुसे। इससे इंडिविजुअल की फ्लाइट रुक जाती है, यानी कि उसकी उड़ान कम हो जाती है। क्या पता इंडिविजुअल ऐसी कोई चीज़ ले आए जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो बहुत नहीं हो और जो समाज के लिए अच्छी हो। इसलिए इंडिविजुअलिज्म को भी बढ़ाना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड प्लीज़ डू कमेंट, शेयर।